हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं शिवम आप सभी लोगों के लिए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन लेकर के आता रहता हूं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका कि रेरा भी आ चुका है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट चल रहा है और ये एक लग्जरी सेगमेंट का 3 और 4 BHK प्रोजेक्ट होने वाला है। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट अपडेट आने से पहले आप लोगों को यहाँ पर वीडियो मिल जाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हम आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सेक्टर 1 एक काफ़ी रेनॉल्ड और काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन का, जो कि डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है सेंट्रल नोएडा से और डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपका यथार्थ हॉस्पिटल। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे कि मेट्रो, यूनिवर्सिटी पूरा डेवलप हो रहा है। नोन अगर लोकेशन आपको बता दूँ तो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जिससे कि आप सभी लोग अवेयर होंगे। तो बिल्कुल सेंट्रल नोएडा की ही तरह इस लोकेशन को आज के डेट में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है लग्जरी अपार्टमेंट 3 और 4 BHK का, जो कि बिल्कुल मेन आपको 60 मीटर वाइड मेन हाईवे पर होने वाला है, जो कि रोड डायरेक्टली आपको गौर चौक से और डायरेक्टली सेंट्रल नोएडा सेक्टर 79 और 76 के मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, फ्लैट कितने फ्लैट अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या एमिनिटीज़ दिया जा रहा है और कितने बजट से स्टार्ट होने वाला है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले हम प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट के लोकेशन को समझ के ही उसकी प्राइसिंग और उसकी लोकेशन और आगे आने वाले टाइम में कितना वैल्यू एड ऑन होगा उसका आइडिया लगा सकते हैं। सो गाइस, ये आपका लोकेशन आ जाता है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1, जो कि डायरेक्टली आप देख सकते हैं 60 मीटर वाइड रोड पर हूँ मैं और यहीं 60 मीटर वाइड रोड आगे आपका हनुमान मंदिर को कनेक्ट करता है। आगे यहीं रोड आपको मैक्सिमम 3 किलोमीटर के रेडियस पे आपको सेंट्रल नोएडा सेक्टर 79 का लोकेशन आता है, जहां पर आपको 76 का मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है। मतलब मैक्सिमम यहां से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको 76 का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो मेन हाईवे का गाइस प्रोजेक्ट रहने वाला है स्टेलर 1 के नाम से, जो कि स्टेलर 1 फेज़ 2 लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ पर आपको डेवलप करके दिया जा रहा है, जो कि प्रॉपर आपका कॉर्नर प्रोजेक्ट होने वाला है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टोटल आपका 8 एकड़ का आपको अपर व्यू किस तरीके से मिलने वाला है और साइट पे भी कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का ऑलरेडी काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और प्रोजेक्ट के जो फ्रंट से आपको 60 मीटर वाइड रोड मिलती है, यही रोड आपको CRC का प्रोजेक्ट और ATS के प्रोजेक्ट से और कैपिटल अथीना से होते हुए प्रॉपर आप देख सकते हैं FNG से आपको कनेक्ट करता है और यहीं आपको सेंट्रल नोएडा सेक्टर 79 से कनेक्ट करती है रोड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बात किया लोकेशन के बारे में, सो अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये टोटल जो प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस आपका, ये स्टेलर 1 फेज़ 2 के नाम से होने वाला है। बात करें अगर डेवलपर के बारे में, तो डेवलपर ने ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी अपने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवरी देने के बाद ये इनका 3rd प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट आ जाता है स्टेलर G1, जो कि नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में है। सेकेंड ये प्रोजेक्ट आता है गाइज आपका स्टेलर 1 का जो फेज़ 1 है और ये उसी का पार्ट होने वाला है फेज़ 2 के नाम से। सो बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये टोटल आपका कॉर्नर प्रोजेक्ट है, जो कि एक तरफ से 60 मीटर वाइड रोड और दूसरी तरफ से आपका 24 मीटर वाइड रोड को प्रॉपर फेस करता हुआ ये प्रोजेक्ट है। दोनों तरफ से इसके एंट्री और एग्जिट दिए जा रहे हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट के लैंड साइज़ के बारे में, तो टोटल आपको 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटल आपको 7 टावर्स ऑफर किए जा रहे हैं। डेवलपर की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है गाइज आपका मिड राइज फ्लोर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल G+18 फ्लोर की बिल्डिंग हाइट होने वाली है और यहाँ पर आपको प्रॉपर 3 BHK, 3+ सर्वेंट और 4 BHK+ सर्वेंट के ऑप्शंस होने वाले हैं। बात करते हैं गाइज अगर साइजेस की, तो 1800 स्क्वायर फीट में हमें मिलता है 3 BHK 3 वॉशरूम, 2020 स्क्वायर फीट में हमें मिलता है 3 BHK+ सर्वेंट और 2620 स्क्वायर फीट में हमें मिलता है 4 BHK+ सर्वेंट। 4 BHK+ सर्वेंट का गाइस जो टावर है वो बिल्कुल सेपरेट अलग रहने वाला है, बाकी 3 BHK और 3+ सर्वेंट का जो टावर है वो मिक्स रहने वाला है। बात करें अगर पूरे प्रोजेक्ट में,
तो यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट है गाइज, उसका जो पार्क है प्रॉपर पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है ये, जिसमें पार्क आपका पोडियम पे होगा। इसके लिए आपको अलग से क्लब हाउस ऑफर किया जाता है, जो कि 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होने वाला है, जिसके अंदर आपको ए टू जेड सारी एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, प्लस आपको दो दो यहाँ पे पार्टी हॉल ऑफर किए जा रहे हैं, आपको टेबल टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया। तो ये सारे आपको एमिनिटीज़ के साथ में ये प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा गाइस बात करें अगर, तो प्रोजेक्ट के अंदर एक आपको मंदिर की भी प्लानिंग दी जा रही है, जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सो अभी बात करते हैं गाइस अब एक बार सैम्पल फ्लैट की, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ सैम्पल फ्लैट कि किस तरीके से है, क्या साइज़ है, और आप लोगों को देख करके पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लैट का लेआउट आपको क्या ऑफ़र होने वाला है, सो दैट आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होगी। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल के लिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो गाइज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर 3 साइज़ आपको मिलते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा साइज़ है, जो कि 2620 स्क्वायर फीट में हमें ऑफ़र किया जाता है, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। तो चलिए गाइज एक बार हम सैम्पल फ्लैट के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस पे हमें मिलता है गाइज लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ में हमारे पास एक आ जाता है काफ़ी प्यारा बालकनी, जो कि आपको 6 फीट वाइड आपका बालकनी रहने वाला है। और इसके बाद गाइज यहाँ से आपको अटैच मिल जाता है डाइनिंग एरिया, जो कि प्रॉपर आप यहाँ पर 8 सीटर अपना डाइनिंग टेबल अपना आप रख सकते हैं। इसके बाद हमारा डाइनिंग टेबल से जस्ट अपोजिट साइड में किचन का सेक्शन मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे किचन का एरिया आ जाता है। किचन से आपको कनेक्टेड एक आपकी यूटिलिटी बालकनी मिलती है। यूटिलिटी बालकनी के साथ में गाइस यहाँ पर आपका सर्वेंट की एंट्री हो जाती है, जो कि ये आपकी सर्वेंट की एंट्री होने वाली है, और यहाँ पर आपका सर्वेंट का वॉशरूम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ में। फॉयर एरिया के साथ में आपका वॉशरूम कनेक्ट है, जो कि कॉमन वॉशरूम होगा। और इसके साथ में ये हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ में आपको कनेक्टेड मिलता है बालकनी, जो कि प्रॉपर एक अच्छी खासी आपको रनिंग बालकनी मिल रही है, जो कि प्रॉपर या तो रोड फेसिंग होगी या तो फिर पार्क फेसिंग होगी। यहाँ से गाइज आपका एक प्रॉपर एक एरिया निकल के आता है, जहाँ पे हमें दोनों ही बेडरूम लेफ्ट और राइट में मिल जाते हैं। अभी हम अपने सेकेंड बेडरूम में आते हैं। सेकेंड बेडरूम आप देख सकते हैं, आपको एक वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वॉशरूम ऑफर किया जाता है, और एक आपके पास यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब का पर्सनल स्पेस में अपने थर्ड बेडरूम की तरफ में। थर्ड बेडरूम हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है। पर्सनल वॉशरूम के साथ में हमें एक दिया जाता है बालकनी, जो कि प्रॉपर पार्क फेसिंग या फिर रोड फेसिंग में होने वाला है। अभी हम आ चुके हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ में, और ये बेडरूम हमारा प्रॉपर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बेडरूम है, जो कि प्रॉपर हमें एक मास्टर बेडरूम की तरह ऑफ़र किया जाता है। और इसके लिए हमें प्रॉपर यहाँ पर वॉशरूम और दोनों ही तरफ में हमें वॉकिंग वार्डरोब का काफ़ी अच्छा खासा एक स्पेस दिया जाता है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा होगा, समझा होगा, आई होप लोकेशन और प्लानिंग और सैम्पल से आप लोगों की कोई क्वेरीज नहीं होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, प्रोजेक्ट के लोकेशन या सैम्पल फ्लैट से या प्रॉपर्टीज से या फिर इसके प्राइसिंग को लेकर के कोई भी कंसर्न है, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।